फाइनल मैच खेलने से पहले ही शुभम गिल के पिता का हुआ मौत। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर कैसे वो भी फाइनल मैच खेलने से पहले ही शुभम गिल के पिता के साथ इस तरह की दुर्घटना वो भी हो गई अचानक से, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर बताना चाहते हैं कि आज बीती रात जो कि गुजरात और सीएसके के बीच जो कि आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला होने वाला है, और दोस्तों यह मुकाबला जो कि काफी टक्कर का मुकाबला है, और दोस्तों इन्हीं सब के बीच आपको बता देना चाहते हैं गुजरात टीम के बहुत ही होनहार खिलाड़ी शुभम गिल को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि जिनके बदौलत पर जो कि पूरा गुजरात टीम जो कि टिका हुआ है। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच उनके पिता का जो कि कार दुर्घटना हो गया है, और दोस्तों जिसमें कि उनके पिता को काफी ज्यादा चोट लग गया है, और दोस्तों वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि वह मैच खेलने से पहले ही जो कि वो अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल आ गए हैं, और दोस्तों इसको लेकर काफी ज्यादा फैंस में खलबली मचती हुई नजर आ रहा है कि आखिर जो कि शुभम गिल जो कि यह फाइनल मुकाबला खेलेंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर शुभम गिल यह फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगे तो गुजरात को जीतना जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इन सब के बीच जो कि गुजरात के फैंस और गुजरात के कैप्टन जो कि काफी ज्यादा जो कि चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं कि शुभम गिल के साथ इस तरह के उनके पिता के साथ दुर्घटना होना कहीं ना कहीं जो कि गुजरात टीम पर जो कि एक बुरा प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये कहना चाहेंगे कि आज का फाइनल मुकाबला जो कि सीएसके और गुजरात के बीच होने वाला है, आखिर कौन जीतेगा आईपीएल 2023 का मुकाबला? लेकिन दोस्तों आपको जो लगता है आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।